हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमारे पास, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। इट मींस हमें 4 डिजिट का छोटा नंबर बताना है, सॉरी 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है जो 6, 8 और 12 तीनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, तो उसके लिए हमें वहां पर निकालना पड़ता है एलसीएम। तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया था, तीनों नंबर्स को एक साथ लिखा था और बारी बारी से उनको चेक किया था। तो यहाँ पर हमारे नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। दोबारा से ये दो नंबर 2 से डिविजिबल हैं, जो नहीं होता उसको आप एज इट इज नीचे लिखेंगे, 2 2 4, 2 3 6। अब 2 फिर से हो जाएगा और जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उसको आप एज इट इज नीचे लिखेंगे। एलसीएम में यही है कि अगर एक नंबर भी गिवन नंबर से डिविजिबल है तो आप उसको डिवाइड करेंगे और बाकी को एज इट इज नीचे लिखेंगे। अब ये नंबर होगा 3 से डिविजिबल, तो देखिए हमारे पास एलसीएम यहाँ पर क्या आ गया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा एलसीएम होगा यहाँ पे 2 2 4 2 8 8 3 24। तो ये तो है हमारा नंबर 24। अगर हमारा जो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है, पहले वो देख लीजिए क्या है हमारा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होता है। आपको पता है कि जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट करते हो तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं और उसके साथ 0 ऐड करते हैं। अब 3 डिजिट चाहिए तो हमें 2 ही 0 लगानी है। हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है 100। अगर 100 24 से डिविजिबल हो गया तो वो 6, 8 और 12 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए पहले इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। 100 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो देखिए 2 5 10, लेकिन यहाँ पर 5 पर हमारी टेबल बड़ी हो जाएगी तो यह नंबर आएगा हमारा 4 पर। 24 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नंबर बचेगा 4। तो हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर और हमारे पास ये नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 4। तो इसमें मैं दो तरीके से कर सकती हूँ कि या तो मैं जो रिमाइंडर बच रहा है वो 100 में से माइनस कर दूं, उसको बचाऊ ही ना। तो अगर मैं 100 में से 4 माइनस करूंगी तो मेरे पास नंबर आएगा 96, जो कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 96 हमारा 2 डिजिट का नंबर है और हमें चाहिए 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 तो हमारे पास रिमाइंडर है ही, कंप्लीट डिवाइड होने के लिए हमें चाहिए 24। तो डिफरेंस जो है इनका, इसका और इसका, वो हमारे पास आया 20। इट मीन्स 4 हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है और उसमें हम 20 और ऐड कर देंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा और 24 पर टेबल हमारी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो ये 20 हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर के लिए इसमें ऐड कर देंगे 100 प्लस 20। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 120। 24 से जब आप 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 5 जा हमारा 120 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये 24 से डिवाइड हो गया है तो वो 6, 8 और 12 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए